हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जिसमें है ढेर सारा नॉलेज, पॉजिटिविटी, अवेयरनेस और सबसे खास बात है कि इसमें है उम्मीद. उम्मीद यानी कि होप. सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप. दोस्तों, जिंदगी में जब मुश्किलें आती है तो हम जैसे तैसे उससे लड़ ही लेते हैं, लेकिन मुश्किलें जब हमारी जाती जिंदगी में आए तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती है. और जब मुश्किल कैंसर के रूप में जिंदगी में दाखिल हो जाए तो वाकई में नामुमकिन सा लगने लगता है उससे लड़ना. लेकिन हमारे बीच में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जिनका ये कहना है कि देयर इज स्टिल होप, दिस इज नॉट द एंड ऑफ रोड. रास्ता अभी बहुत लंबा है, जिंदगी अभी और भी आगे, हमें बहुत ही खुशनुमा जिंदगी तय करना है. वेल, जानते हैं उन्हीं से कि ये जिंदगी हम कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, कैंसर को कैसे मात दे सकते हैं. वेल, ही इज नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी. प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं जिन्होंने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहे तमाम लोगों को नया जीवन मिला है. अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है. डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और कैंसर के खौफ का सफाया करना. डॉक्टर अनवर साहब, वेलकम टू आवर शो कैंसर होप. आदाब. मैं सबसे पहले हमारे तमाम आवाम से ये बात कहना चाहूंगी कि अभी इसी वक्त आप कॉल करें और आपके जहन में कोई भी सवाल हो कैंसर से जुड़ा तो उसका आप हल पा सकते हैं. सो देर मत कीजिए, सारी की सारी कॉल्स की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी मौजूद है. प्लीज डू कॉल अस राइट नाउ. डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि पहली बात तो कैंसर का नाम सुनते ही सबकी रूह कांप उठती है, क्या कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है? मेरा मानना है कि कैंसर से बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन वो वायरस से रोकने से नहीं होगा. वो सनलाइट की वजह से स्किन कैंसर होता है, धूप में मत जाओ इसके वजह से नहीं होगा. नॉन वेज खाने से कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है, नॉन वेज मत खाओ, वेज खाओ, इससे नहीं होगा. लेकिन हाँ, हो सकता है. कैसे हो सकता है कि उसकी वजह को अगर हम समझें, देखिए जो इमोशन जो पैदा होते हैं जी. मनफी नेगेटिव इमोशंस जो पैदा होते हैं वो कैसे आते हैं? वो हमारे माशरे से, हमारे समाज से, हमारे एनवायरनमेंट से आता है. खौफ, जब तक के खौफ पनप रहेगा, ये कॉमन जो फिनोमिनन है खौफ, ये आप इसको कैसे रोकेंगे? तो अगर हम समाज के अंदर एक खौफ फ्री माहौल अगर हम क्रिएट करें तो हम लंग कैंसर से बच सकते हैं. अगर हमारी जो है एटीट्यूड में चेंज आए कि जो पैराडाइम सोचते हैं इस तरह से, हम अगर दूसरे को भी कंपैशनेट बना के समझें कि भाई उसका, हम अपने आप से सोच रहे हैं इस किस्म से, वो तो ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझें कि क्यों उसने किया, तो हो सकता है कि हमारा जो रिएक्शन जो कम होगा. तो हमारी जो रिएक्टिविटी होती है हर चीज़ के लिए, कुछ भी चीज़ रिसीव करने के लिए, इमोशनल जो इम्पैक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, समझे, अगर वो छोड़कर हम पैराडाइम को शिफ्ट करें एक, और उसको सिंपैथेटिकली लें कि भाई उसके पीछे रीज़न क्या है. अगर हम जो मिसाल तौर पर हार्ट का जो मामला जो है उसका जो है प्रॉपर्टी से, पैसे से बहुत ताल्लुक है, अगर हम उसमें ना उलझें, अगर हम एक ऐसी समाज पैदा करें, ऐसी दुनिया पैदा करें जहाँ की प्यार ही प्यार हो, यहाँ पे जो नफरतें जो होती है अगर हम इसको ख़त्म कर दें, एक दूसरे के लिए जो ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत बुनियादी वजह हैं कैंसर होने की. तो हमको अगर कोई भी बीमारी से बचना है तो ये सब चीज़ें हमको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम माशरे में जी रहे हैं, हमारा माशरा क्या है, हम माशरे को किस तरह से सुधार सकते हैं और किस तरह से हम प्यार बांटें लोगों में. क्योंकि जो अंदर जो सेल्स है ना, वो उसमें जो हारमोनी कब टूटती है, जब वो उनको ये सब चीज़ें फील कर होती है माइंड के अंदर, जब फील होती है तो जब उसके बाद में उसका असर ऐसा होता है.
एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, आपने अभी तक हमसे जो भी कहा ये बात को हम आगे बरकरार रखेंगे, लेकिन अभी कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, कॉलर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो पहला कॉल आज का हम लेना चाहेंगे। जी हेलो जी, मैं रेवती बोल रही हूँ। नमस्कार रेवती, कैंसर होप में आपका स्वागत है। रेवती आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी रेवती, अभी मैं आपका कॉल कनेक्ट करने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से, तो आप उनसे अपना सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब, मेरे रिलेटिव को कैंसर है एंड हम लोग ने उनके लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट्स ट्राई किए हैं, केमोथेरेपी ट्राई किया है, पर कुछ उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं जानना चाहती थी कि आपके ट्रीटमेंट पैटर्न में कोई कैंसर का इलाज है? बिल्कुल है रेवती जी, कि इलाज भी, सिर्फ इलाज ही नहीं है लेकिन इलाज से अच्छे होने की भी उम्मीद है। अगर आपने कीमोथेरेपी करवा चुका है उनका या सर्जरी करवा सकता है, जो भी कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर जो बताया जाता है, अगर वो सब खत्म भी करके फिर भी अगर कैंसर अगर है तो उन केसेस के अंदर भी ये ठीक हो सकते हैं। अगर हम सही जड़ पकड़ें, समझे प्रॉब्लम क्या है, उनके जहन में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से अगर हम दवाई देते हैं, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कुछ ही वक्त में उनको इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है और एक अरसे के बाद में उनके रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ जाते हैं, हमें ये एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल आपके जो केस जो है, आपकी बात कर रहे हैं आपके रिश्तेदार की, बहुत उम्मीद है कि वो ठीक हो सकते हैं। किस हद तक के क्या, मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं देखूँ पेशेंट। एंड कितने टाइम तक वो ठीक हो सकते हैं? इम्प्रूवमेंट जो होता है चंद हफ्तों में शुरू हो जाता है इम्प्रूवमेंट, या कि तकलीफ की जो बात है, लेकिन इट विल डिपेंड वो इंसान की वो टर्मोइल कितनी गहरी है, उसके पीछे मायाजम क्या है, हमारे जो पार्लेंस में हम बात करते हैं, और क्या क्या एसोसिएटेड बीमारियां हैं, उसके जो है मतलब कि इम्यून सिस्टम कितना डाउन हो गया है और किस टाइप का कैंसर, कितना गहरा, कितना असरदार कैंसर हुआ है, ये सब चीज़ें जो होती है हमको समझना पड़ेगा कि वो कितना इंटेंस है और यहाँ पर जो कैपेसिटी जो पेशेंट की जो है वो इम्यून सिस्टम की क्या पोजिशन है, और फिर हम जो है उस पर कहाँ तक कैसे हम पहुँचते हैं, कितने सक्सेसफुली पहुँचते हैं समझने में। ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, पेशेंट की इम्यून सिस्टम और जो इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, उसके हिसाब से वक्त हम बता सकते हैं, इसके पहले नहीं बता सकते ऐसा। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू रेवती जी। थैंक यू सो मच रेवती जी। डॉक्टर साहब, अभी जब आप रेवती जी से बात कर रहे थे तो आपने उन्हें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई जी, तो मैं आपसे एक ओवरऑल जानकारी लेना चाहूंगी कि कैंसर का आपका प्रोसेस कैसा है, लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका कैसा है? जी देखिए, मैं जो है, माफ़ कीजिएगा, मैं कन्वेंशनल मेडिसिन से बिल्कुल अलग मेरी सोच है और मेरा जो अप्रोच भी उसी तरह से है जी। तो ये पहले, क्योंकि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं मैंने बेशक देखा है, वो सब कुछ करा के आते कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर। तो ये जब हमने जब काम शुरू किया तो हमने अलग तरह से सोचना, पैरेलल थिंकिंग हम जो बोलते हैं, लैटरल थिंकिंग हमने जो शुरू किया कि क्यों होता है। फिर हमने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, ऑल्टरनेटिव थॉट पढ़ा, स्टडी किया उसको, फिर हमने वो केसेस में देखा जो जो चीज़ हम देख रहे थे। तो जो मेरा जो अप्रोच है कि पहले हम समझते हैं कि भाई ये जो मरीज हमारे पास में आया है, कहीं ना कहीं उसको कैंसर जो स्टार्ट हुआ है उसके 6 महीने या साल भर पहले में, या शॉर्ट टाइम या साल 2 साल के अंदर कुछ ऐसा वाकया हुआ है जो कि अचानक था, सरप्राइजिंग था और इंटेंस था। तो हम वो उसको प्रोब करने लगते हैं, हमारा जो मखसूस अंदाज है कि भाई ऐसा क्या हुआ है, तो हम पूरे उसकी मैपिंग करते हैं, उसकी साइकोलॉजी की, कि भाई कहाँ से शुरू हुआ क्या, इसके लिए हमें टाइम लगता है उसके अंदर वक्त, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, समझने में कि शुरू कहाँ से हुआ, शोला आया कहाँ से। अभी एक जब वो मालूम हमको होता है कि शोला यहाँ पर है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको समझाते हैं कि भाई देखिए ये आपका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट आपका ये है, तो वही दवाई जो दूंगा कि ये जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये जो रीज़न हुआ है और उसकी पर्सनालिटी जो है, पहले से हम देख रहे हैं किस किस्म का ये बंदा है जिसके ऊपर ये असर ऐसा हुआ है। तो एक इनिशियल जो पहले से उसकी जो, जिसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन क्या था, वो हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये बचपन से लेकर अब तक किस किस्म का था, उसका डिस्पोजिशन कैसा था, और वो डिस्पोजिशन के ऊपर अगर ऐसा वाकया हो गया तो कितना इंटेंस हो गया। तो हम पहले इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं और हम जो दवाई जो देते हैं उसी बुनियाद पर देते हैं ताकि उसका वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टैकल हो जाए। और हमने बारहा ऐसा देखा है कि जब तक कि अगर हम उस पर काम नहीं करते
तो पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन जब हमने इस पर सटीक काम किया तो ना सिर्फ उसकी अलामत कम होती है, सिम्टम्स कम होते हैं, बल्कि उसको क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में पैथोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी होता है, यानी उसके रिपोर्ट्स में भी दिक्कत आता है। तो ये हासिल कर सकते हैं अगर हमने हर कैंसर के केस को एम्पथी के साथ में समझा, देखा। सिर्फ दवाई देना मकसद है, दवाई देते कुछ नहीं। Absolutely. लेकिन अगर इस तरह से हमने अगर अप्रोच किया तो जड़बूटियां से खत्म हो सकता है, ये हमारा अप्रोच रहा है। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, तो देखा दर्शकों आपने कि कैसे जड़ से कैंसर को कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी से आप निकाल फेंक सकते हैं। इसके लिए अगर कोई भी सवाल आपके जहन में अभी भी आ रहा हो तो इस शो के दौरान भी आप खुद डॉक्टर अनवर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सो डॉक्टर अनवर साहब, एक और कॉलर है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। अच्छा जी, मोस्ट वेलकम। हेलो। हेलो, नमस्कार। कैंसर होप में आपका स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मैं शीतल बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी शीतल जी, आप दिल्ली से बोल रहे हैं? या जी शीतल जी, अभी आप बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनवर साहब से। आप अपना सवाल उनसे पूछ सकती है। जी जी शीतल जी, फरमाइए। मेरी कजिन को अभी फरवरी 2017 में ओवरीज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। जून 2017 में उनका ऑपरेशन हुआ और उसके एक महीने के बाद 7 साइकिल कीमोथेरेपी के हो गए थे। ओके। उसके बाद वो थोड़े देर तक के ठीक थे, पर अभी गए एक महीने से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है। अच्छा। और डॉक्टर से जब मशवरा किया तो उनका ऐसा कहना रहा कि जो केस है वो काफी एडवांस हो चुके, काफी हद तक फैल चुका है। जी। वो सुनने के बाद से पेशेंट जो है, मतलब पूरी हिम्मत टूट गई है। उसका ऐसा कहना है कि अभी कोई ट्रीटमेंट करानी ही नहीं है उसे। हाँ। तो ऐसे केस में हम होम्योपैथी ले, या होम्योपैथी क्या मदद कर सकती है हमें, या हम क्या हम होम्योपैथी ले सकते हैं ऐसे केस? शीतल जी, ऐसा हो सकता है ये केस जो है, जो आप जो बता रहे हैं, शायद ये मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर का केस है। हाँ। तो अभी ये लोकल से फैलकर और जगह पर चले गया है और पेशेंट जो हिम्मत हार गया है, वो आना चाहता नहीं, कुछ करना चाहता नहीं। तो इस ऐसे माहौल में, सिचुएशन में, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर उनके कोई घर वाला रिश्तेदार अगर हमसे मुलाकात करता है पूरे रिपोर्ट्स के साथ में और पूरी डिटेल बताता है, करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, यानी उसका हस्बैंड हो या उसकी माँ हो या बहन हो, जो उसको जानती है पहले से, अच्छी तरह समझती है, इमोशनली भी समझती है और उसे इश्यूज क्या रहे हैं वो भी जानती रही, अगर वो अगर हमसे आके मिल सकती है रिपोर्ट के साथ में, और पूरी रिपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये तमाम तफसीलात अगर हमको सटीक दे सकती हैं, तो हम वो जो पेशेंट जो नाउम्मीद हो चुका है और कुछ करना नहीं चाहता है, तो ये रिपोर्ट की बुनियाद पर हम कुछ दवाई ऐसी दे सकते हैं कि ना सिर्फ उसकी जो उम्मीद जागे, ना कि उसकी सिम्टम्स कम हो जाए, लेकिन कुछ अरसे बाद में वो हमारे पास में भी आएगी। तो आपके हिसाब से होम्योपैथी में कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। जहाँ पर तमाम कन्वेंशनल मेडिसिन खत्म हो जाती है, वहाँ पर ये जो हमारा जो सिस्टम जो शुरू होता है, हम तो, कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करके, अगर वो ना आ पाए तो हम में से कोई आ सके तो ऐसे कर सकते हैं ना, हम कुछ कर सकते हैं। मुझे उनकी तफसील डिटेल माइंड मैपिंग जरूरी है। अच्छा। तो अगर वो अगर खुद नहीं अगर आ सकती दे रही है तो हम कोई बाय वे रास्ता निकाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि आपके जो पेशेंट को भी फायदा मिल सकता है, बहुत फायदा मिल सकता है। हमारे से जो भी पॉसिबल होगा, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई स्किल एंड टू द बेस्ट ऑफ माई साइंस। ओके। Thanks a lot, doctor. I cannot play God, but whatever best is possible, we'll do. Yeah, true. Thank you so much, Sheetal ji. Thank you. So, दोस्तों, अगर शीतल जी की तरह आपके भी परिवार में कोई कैंसर ग्रस्त है, कैंसर ने जिसे जकड़ लिया हो, तो आप हताश मत होइए। जिंदगी का हर एक लम्हा बहुत कीमती है। अभी इसी वक्त जाया ना करते हुए आप तुरंत कॉल कीजिए और डॉक्टर अनवर साहब से जानिए कि एग्जैक्टली आपके परिवार में जिसे भी कैंसर हुआ है, उस कैंसर का सटीक इलाज क्या है। सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। सो वक्त मत जाया कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए।
वेल, इसी के साथ डॉक्टर अनवर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी. अभी शीतल जी ने जिक्र किया था होम्योपैथी, और आपने भी कहा था, तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है होम्यो ऑन साइकोलॉजी. इसके बारे में अमूमन तौर पर कहा जाता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? मैं नहीं मानता हूँ कि जी. मेरा जो प्रोसेस है होम्यो साइको ऑन्कोलॉजी जी, और ये डायनेमिक लेवल पर काम करती है, और जहन के लेवल पर जब हम काम करते हैं जी. और दवाई जब देते हैं तो इसका काम सटीक और फास्ट तेज होता है. इसीलिए हमने बहुत सारे किस्में ऐसा देखा है कि 15 दिन के अंदर के पेशेंट में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया. यानी जो महीनों से मतलब परेशान था, 15 दिन में उसको लगता है नहीं, मैं अभी ठीक हो गया हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है. तो ये जो चीज़ आती है जब आप काम अच्छा करते हैं, सटीक दवाई देते हैं कि भाई ये पेशेंट को ये चाहिए. हमारे पास जनरलाइज दवा नहीं है कि हर लंग कैंसर का केस है तो उसको एक ही दवाई देना है, हर ब्रेस्ट कैंसर का केस है तो ये दवा देना है. नहीं, आपको स्पीड जब मिलेगा. देखिए, ये जो साइंस है उसका अप्रोच बहुत तरीके से लोगों ने किया है उसको. मतलब कोई लोग होते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन की दवाई दे, उनको उस पर रिजल्ट मिलता है. हम जो काम करते हैं वो माइंड के लेवल पे काम करते हैं जी. हमने ये तजुर्बा किया, जब माइंड के लेवल पे जब काम जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं. और तो माइंड को समझना और माइंड के सबसे दवा देना, उसमें रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं. हमने देखा कि 15 दिन के अंदर कुछ कैंसर जो मतलब कि मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर, वो मतलब कि बहुत परेशान महीनों से थे, 15 दिन के अंदर उनको फ़ायदा दिखने लगता है जी. तो ये इस किस्म की इंटेंसिटी आती है. तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये सिस्टम स्लो है. हाँ, बीमारी के एतबार से वक्त लग सकता है, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी. ससेप्टेबिलिटी क्या है उसकी, और के उसका इशू कितना गहरा है वो समझना पड़ेगा. डॉक्टर अनवर साहब, आपसे हमारे तमाम जितने दर्शक हैं वो जुड़ना चाहते हैं, कुछ दर्शक कॉलर्स के थ्रू जुड़ते हैं, कुछ ईमेल्स के थ्रू जुड़ते हैं, तो आज मैं आपको एक ईमेल दिखाना चाहूँगी. ये मेल हमें भेजा है सुनील जी ने भोपाल से. इनका कहना है कि मेरे मदर, जो कि उम्र 60 वर्ष के हैं, इनको थ्रोट कैंसर है और फर्स्ट राउंड कीमो का हो चुका है. उन्हें डायबिटीज़ भी है और किडनी प्रॉब्लम भी है. क्या आपके ट्रीटमेंट से उन्हें रिलीफ मिल सकता है? देखिए सुनील जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अप्रोच है वो सिर्फ एक डिजीज़ के लेकर नहीं है. खाली हम डिजीज़ को टारगेट कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये ओवरऑल पेशेंट ओरिएंटेड, पेशेंट टेलर मेड अप्रोच है. तो इसमें ना सिर्फ आपकी जो पेशेंट है उसको कैंसर में फ़ायदा हो सकता है, बल्कि डायबिटीज़ और किडनी जो प्रॉब्लम उनका है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है. क्योंकि हम जो दवा जो है लोकल डिजीज पर नहीं दे रहे, जनरलाइज पूरा जो अप्रोच है उसके हिसाब से इंडिविजुअल अप्रोच है, टेलर मेड अप्रोच है. इसके लिए जो उनको मुमकिन है कि फ़ायदा उनको सब चीज़ में हो. तो अगर आपने कीमोथेरेपी लिया भी है कोई अर्जा नहीं है, आप साथ में भी ये ले सकते हैं अगर आपको कीमोथेरेपी करना है, या उसके बगैर भी जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं. हमारी सेवा आपके लिए हाजिर है जी. एब्सोल्युटली डॉक्टर अनवर साहब, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ आए, और हमारे तमाम व्यूअर्स को उनके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब देने की पूरी आपने कोशिश की है. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू. थैंक यू स्नेहल जी. थैंक यू दर्शकों. वेल दोस्तों, देखा आपने कि कैसे जड़ से कैंसर को नस्तनाबूद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बार बार कैंसर एक कहते ना अनवांटेड गेस्ट की तरह आपकी लाइफ में दाखिल होते रहेगा. इसका कैसे इलाज किया जाए ये वाकई में हमें डॉक्टर अनवर साहब ने ना ही सिर्फ बताया बल्कि इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई है कि खुशनुमा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कैंसर से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है. ये रही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स. हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008. हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और 9930-950-750. हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com. हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com.
सो दोस्तों, तब तक के लिए मैं स्नेहल राय चाहूंगी आप सभी से इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है कैंसर होप, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है। डॉक्टर अनवर साहब से और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां लेना भी अभी बाकी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।